भी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मूवी का टीजर जिसका टाइटल है भूल भुलैया 2। मौसम क्यों भूल रहा है, क्यों भूल भुलैया मैं भी भूल गया। ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी है और भूल भुलैया 1 आई थिंक हम लोगों से बहुत सारे लोगों ने देखी है जो की बहुत मजे की थी। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो इसको डायरेक्ट किया है अनीस बज्मी ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और मुराद। और स्टार कास्ट में है कार्तिक आर्यन, अखिल, तबू, कियारा एडवाणी, राजपाल यादव, अमर, संजय मिश्रा, मिलंद और इसके अलावा राजेश शर्मा है। तो चलिए देख लेते हैं ये टीजर लिखने से पहले। इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अभी तो छोटा सा टीजर देखा जिसमें जो है हमें फर्स्ट लुक मिली है एक तो चुड़ैल की और एक कार्तिक आर्यन के साथ राजपाल यादव जी की। लेकिन मुझे मजा आया देखने का ये छोटा सा टीजर भी। और उसकी रीजन ये है कि जो भूल भुलैया 1 हम लोगों ने देखी है उसका हम लोगों को एसेंस इसमें मिला है। तो मुझे वो चीज बड़ी पसंद आई है क्योंकि एक तो म्यूजिक जो था और ये एक पता नहीं मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर पाऊंगी उन अल्फाज को, यानी मीजे तुमा है ना। हाँ, मैं ये बंगाली थी है ना, बंगाली थी। हाँ, वो बंगाली थी। लेकिन ये कि वो जो टच उन्होंने बीच में दिया ना टीजर में, ये मुझे बहुत मजा आया देखने का। और कार्तिक नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे हैं फर्स्ट लुक में। और जो चुड़ैल हम लोगों ने देखी ना बकौल मौसम के, वो कियारा एडवाणी मुझे लग रही और थी। मुझे लग रहा था कि शायद वो तबू होंगी, बट खैर ये तो ट्रेलर देखेंगे ये पता चलेगा वो कौन है। लेकिन जो है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया जाएगा जब जो ट्रेलर आएगा ना। हाँ। तो कार्तिक में और अक्षय कुमार सर में जो है काफी ज्यादा कंपैरिजन किया जाएगा। एक वो जो वैसे मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है ना ये जस्टिफाई कर पाएंगे रोल के साथ, क्योंकि कार्तिक की भी अगर बात करें तो बहुत जॉली टाइप की एक्टर है। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि ना ये एक प्रेशर हमेशा हर एक्टर पर रहता है जब भी किसी मूवी का सीक्वल बनता है या फिर रीमेक बनता है, तो वो एक्टर जो होते हैं ना उन थोड़ा सा तो उनको फेस करना पड़ता है। स्पेशली जब कोई बहुत ही आइकॉनिक जो एक्टर्स रह चुके हो या काम कर रहे हो अभी भी, उनके साथ उनको कंपेयर किया जाए। बट मैं भी श्योर हूँ कि कार्तिक जो है वो काफी अच्छे से इसको निभाएंगे, क्योंकि उनकी काफी सारी हम लोगों ने मूवीज देखी हैं तो वो काफी एक जॉली टाइप की यू नो वो वाला इसमें नजर आता है। लेकिन जो है क्योंकि राजपाल यादव जो है वो पहले भी थे, पार्ट 1 में भी थे, वो पार्ट 2 में भी है, तो इन्हें तो हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो है ना एक वो लास्ट में विद्या बालन जी थी तो एक काफी तगड़े वाला वो होगा वो क्या कंपेरिजन, क्योंकि विद्या बालन जी की एक्टिंग जो है ना भूल भुलैया उन्होंने बहुत कमाल की है। खासतौर पर जब वो गाना लगता है ना आमी जे तो माँ मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन, उसमें कमाल की उन्होंने एक्टिंग की हुई है। ये भी ना एक मैं कहूंगी कि आपकी आपका एक आर्ट होता है कि किस तरीके से आप कॉमेडी मूवी में हॉरर टच भी देते हो और वाकई में आप लिटरली डरते हो। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोगों ने ये मूवी देखी थी ना भूल भुलैया, तो मतलब मुझे डर लगा करता था उस मूवी को देखकर कि पता नहीं वाकई में कोई चुड़ैल है या क्या है या किस तरह से। तो वो चीजें आपको जिस तरीके से पोर्ट्रे की जाती है इसमें, डायरेक्शन का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाथ होता है कि किस तरीके से वो आपके सामने सारी चीजें सामने लेकर आते हैं। अच्छा वैसे एक बात बताएं, जो भूल भुलैया पार्ट 1 था उसमें चुड़ैल का नाम क्या था? मंजुलिका। याद है। वैसे ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है नाम याद रखना, चुड़ैलों के खास तौर पर नाम याद रखना, क्योंकि अगर बात करें ना पुरानी हॉरर मूवीज की, यानी कि अगर हम अर्ली
80s 90s की बात करें हाँ तो तब जो मूवीज आती थी वो, क्योंकि हमारा बचपन भी होता था तो वो जब हम देखते थे ना तो वो काफी मूवी हॉरर लगती थी मैं अपने बचपन बेटा, में। आज भी अगर हम लोग रात में बैठ कर वो मूवी देखेंगे ना तो हमें डर लगेगा क्योंकि वो हमारा बचपन का डर वैसे है। ये हकीकत है, जो जो डर जो बचपन में आपके म्यूजिक दिमाग में बैठ जाए ना, खास वो हॉरर म्यूजिक, वो आप कहीं पे भी सुन लें तो आपको डर जरूर कहीं ना कहीं, वो जो एक फोबिया आप कह ले आपको होता है वो जरूर फील होता है, क्योंकि उसके जो है ना वो पुराना मंदिर और पुरानी हवेली, एक तो उसका म्यूजिक और दूसरा जो है उसमें दरवाजा खुलने की जो आवाज है वो इस तरह की कि अगर आप कभी घर में अकेले हो ना तो इस तरह का थोड़ा दरवाजा खुले ना आप डर जाएं। मुझे भी ये लगता है कि वाकई में आपको डर लगा। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी मजे का टीजर था और मुझे लगता है कि ट्रेलर जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुझे वैसे अभी तक क्योंकि कार्तिक आर्यन सबसे ज्यादा सही हम कहेंगे कि नजर आए हैं तो मुझे तो उनकी लुक बहुत अच्छी लगी है। सही बात और है। तो बीच में म्यूजिक था ना, मुझे वैसे उसमें भी मतलब भूल रही है, मन में भी बहुत पसंद है। हरे राम हरे राम, अच्छा इसमें हाँ हरे राम बहुत मजा। अच्छा उस और इस म्यूजिक में अब थोड़ा सा फर्क मुझे ये बस देखने को मिला कि इसमें जो है ना पीछे राम 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 जो है वो पीछे जो है बोला गया है। लेकिन एनीवे जब पूरा गाना सुनेंगे आई एम श्योर ये बहुत ज्यादा हिट नंबर जाने वाला है। इसमें इसमें तो कोई शक नहीं, जो हरे राम हरे कृष्णा हरे राम वो भी बहुत यहाँ पे हिट हुआ था, बहुत हिट हुआ था। सही बात है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ अब हमें इजाजत। और आप जरूर बताइएगा कि आपको कार्तिक इस लुक में कैसे लगे हैं और आपका क्या अनुमान है कि कौन चुड़ैल बनेगी बीच में, मतलब मंजुलिका इस बारे में कौन होंगी, तबू या क्यारा होंगी, जरूर बताइएगा। आई थिंक क्यारा जो है ना वो थोड़ी सी वो तो मतलब लीड रोल में होंगी ना, तो मे बी उसके उनके अंदर अब चुड़ैल आएगी या नहीं आएगी, नहीं या तबू के अंदर आएगी मुझे नहीं पता, ये तो हम लोग ट्रेलर देखेंगे या मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। और इसी के साथ गुड बाय।